नाम विकास शुक्ला है और मैं जो अपनी नई सीरीज लेकर आया हूं उसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है और ये आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान। कहीं ना कहीं इससे एक प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में आया है, तो अगर आपने वो पुराने वीडियो नहीं देखे उनको जाइए देखिए, आपको बेस्ट वहां मटेरियल मिल जाएगा और एक रिवीजन के साथ कंफ्यूजन खत्म करने की कोशिश मैंने वहां की है और रिलेट करके, सबसे अच्छी बात है कि रिलेट करके उसको याद कराया है। एक बार आप वीडियो को देखें आप चीजें नहीं भूल पाओगे, है ना, तो भूल नहीं पाओगे, सीरीज है ये मेरी, है ना। अब इसका आज का लेक्चर है जो हमारा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम कब आया, 1952, ठीक है सर। इसके तहत क्या हुआ मध्य प्रदेश में 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952, 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम सबसे पहले स्थापित किया गया राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है सर। एक जगह 1933 दिया था, 1993 में क्या हुआ था ये, सॉरी एक सेकंड 1933 ईस्वी 1933 में ये अभ्यारण्य बना था, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान पहले अभ्यारण्य बनाया जाता है फिर उसके बाद उसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है, तो ठीक है सर। सबसे पहले हमें पहला फैक्ट पता चला कि राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम 1952 था और 1952 के बाद 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, ठीक है सर। फिर आपने बोला कि 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था, तो पहले किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य बनाया जाता है फिर जाके उसको उद्यान का दर्जा दिया जाता है, सब ऐसे ही बने हैं। चलो आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में कुल कितने, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है सर। चार फैक्ट हमने देखे, कितने नेशनल पार्क्स में, तो छह नेशनल पार्क्स या छह राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आ रहे हैं और एक हमारा अभ्यारण्य कौन सा है, जल्दी कमेंट करो। एक वो अभ्यारण्य है रातापानी कहां पर है, रातापानी अभ्यारण्य में भी टाइगर रिजर्व है, तो टोटल 7 टाइगर रिजर्व हैं। रातापानी जल्दी बोलो, तो रातापानी रायसेन में है, रातापानी अभ्यारण्य रायसेन में है। चलो अब हम चलते हैं, ये हमने चीजें देख ली। अब अगर हम बात करें तो ये भी लिखा है, देखो टाइगर रिजर्व कब आया था, तो टाइगर रिजर्व आया था 1 अप्रैल 1973 भारत में, 1 अप्रैल 1973 में आया था। कुल 6 नेशनल पार्क जैसे अभी बताया, और एक अभ्यारण्य क्या है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आ रहा है, बाघ के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश अब बाघ में टॉप पर है। आपको इस बार की जो काउंटिंग हुई थी पता होगा, पिछले बार तो आपको ये पता होगा बाघ सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, कितने 526, कितने हो गए 526 बाघ हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और इसी कारण क्या है फिर से टाइगर स्टेट जैसा मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसका नाम उसने फिर से ले लिया है। चलो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अभी बताया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तो वो भी देखते हैं हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलो अब एक तरफ से हम सबको देखते हैं जल्दी से, बीच बीच में आप लिखते जाया करो, अगर आपको ये मेरे मैप्स चाहिए हैं, नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ चाहिए है, मॉडल आंसर चाहिए हैं, तो एमपीजी के बाद विकास सर टेलीग्राम पर जाएं, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो आगे तो देखें, हम स्टार्ट सबसे पहले अपने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से ही करते हैं। तो कहां दिख रहा है आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, देखो स्क्रीनशॉट की जगह आप मैप लें सीधा मेरे टेलीग्राम से। चलो मैं नहीं छुपाता ना, मैं छुपाने आया हूं, जो है मेरे पास आपको देने आया हूं, तो आप टेलीग्राम पे जाएं सब दे दूंगा। ये देखो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जैसे मैंने बताया कि ये 1955 में सबसे पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1933 में ये अभ्यारण्य था,
लेकिन 1955 में अधिनियम 1952 था जो, उसके तहत 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व। अच्छा सर, जो टाइगर रिजर्व पूरे भारत में आए थे कैलाश सांखिल थे उसके प्रणेता, है ना, जो लेकर आए थे कैलाश सांख्याल। ठीक है, अगर आ जाए कि भारत में टाइगर रिजर्व की परिकल्पना कौन लेकर आया था, तो हमारे जो कैलाश सांखिल जी थे वो हमारे टाइगर रिजर्व की परिकल्पना लेकर आए थे मध्य प्रदेश, भारत में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व कब आया था, 1974। अधिनियम आया था 1973 टाइगर प्रोजेक्ट, लेकिन ये मध्य प्रदेश में, भारत में भी सबसे पहले अगर कहीं पे किसी ने टाइगर रिजर्व पहला स्थापित किया तो वो मध्य प्रदेश ने, कहां पर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कब, 1974। अधिनियम 73 का था, 1 अप्रैल 1973, लेकिन ये कब बना टाइगर रिजर्व, कौन, कान्हा, तो ये 1974। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके सारे फैक्ट बताऊंगा। तो फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब ये क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है सर, कहां पर है ये, तो ये है हमारा मंडला, मंडला में है, कौन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अब याद कैसे करें, तो कान्हा जी थे ग्वाल वालों की, उनकी मंडली थी, ग्वाल वालों की क्या थी, वो जिनके साथ खेलते थे, सुदामा जी हुए और भी अन्य साथी थे ग्वाल, उनकी एक मंडली थी जो गेंद और ये सब खेलते रहते थे, लुका छिपी वगैरह, तो उनका क्या था, एक मंडली थी, तो कान्हा मंडल, मंडला, कान्हा की मंडली, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, याद हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आएगा, इसलिए याद करा रहा हूं। और इसका जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो कितना, 940, कितना, 940 वर्ग किलोमीटर है इसका क्या क्षेत्रफल, 940, किसका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां है, मंडला में। टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया इसको, 1974 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, यहां ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, जो मध्य प्रदेश का क्या है, राष्ट्रीय पशु है, उसको क्या, ब्रेडरी प्रजाति, राजकीय पशु है, सॉरी, राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, है ना, ये कहां पाया जाता है, कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान में। क्लियर, चलो ये हो गया सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा, तो फासिल ये लगाया उसके ऊपर, फासिल ये कहां है, डिंडोरी, डिंडोरी, डिंडोरी में है फासिल। फासिल क्या होते, जीवाश्म, फॉसिल, फॉसिल क्या होते, फॉसिल के नाम पे फासिल बोल दिया, फासिल में हमें परेशान हो जाते हैं कि यार ये फॉसिल क्या है, जबकि फॉसिल अगर हमें ध्यान आ जाए तो फॉसिल हमें पता है जीवाश्म होते हैं, तो फॉसिल या घुगवा, दूसरा नाम घुगवा, घुगवा राष्ट्रीय उद्यान कब स्टेब्लिश हुआ, 1968, ये काना का लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, 1968 फासिल या घुगवा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, कितना छोटा, तो ये देखो 0.27 वर्ग किलोमीटर। फासिल क्या, जीवाश्म, किसके जीवाश्म, वनस्पति जीवाश्म, अब पेपर में आ जाए कि वनस्पति के जीवाश्म, दो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, एक कौन है, धार डायनासोर वाला, और ये क्या है, यहां पे वनस्पति रखे गए हैं, पेपर में आ जाए वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कौन सा है जहां वनस्पतियों के जीवाश्म रखे गए हैं, हम बता देंगे वो है फॉसिल डिंडोरी या घुगवा राष्ट्रीय उद्यान, 1968 में जो बनाया गया, डिंडोरी जिले में आता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये क्या है, 0.27 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो चले इसको मैं मिटा देता हूं, फिर हम बात करते हैं आगे की। तो अभी तक हमने दो देखे, हमने देखा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में है, फासिल जो वनस्पति राष्ट्रीय उद्यान है डिंडोरी में है। ठीक है, अब हम आगे गए, तो हमें दिख रहा है, यहां देखते हैं हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इस तरफ के पूरे कर लेते हैं फिर इस तरफ आते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों हम देख चुके हैं, अब हम गए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968, जो छह टाइगर रिजर्व है उनमें स्टार लगाया हुआ है मैंने, ये देखिए ये लगा है स्टार, टाइगर रिजर्व का ही स्टार है, कान्हा में है, इसी तरह बांधवगढ़ में है, यहां सर्वाधिक बाघ घनत्व, क्या, बाघ घनत्व के लिए जाना जाता है ये,
बाघ घनत्व के लिए जाना जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा डेंसिटी बाघों की है, हर 8 किलोमीटर पे एक बाघ है। और ये टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 1993-94 ये लिखा हुआ है, 1993 से 94 के बीच में इसको क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षण क्षेत्र, बाघ घनत्व सर्वाधिक बांधवगढ़ कहां पर है, उमरिया। मैंने याद करवाया था, कैसे याद करेंगे, उमरिया बांधव, तो अनिल कपूर की उम्र को क्या बांध दिया है, कैसे, अब तभी तो वो बूढ़ा नहीं हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, उसमें विटामिन ई की मात्रा सर्वाधिक है, विटामिन ई सौंदर्य का क्या होता है, हमारा स्रोत होता है, तो बांधवगढ़ उमरिया, उम्र बांध दी गई है किसकी, अनिल कपूर की, कब, 1968, टाइगर रिजर्व 1993 से 94, सर्वाधिक बाघ घनत्व। और मध्य प्रदेश का प्रथम जो सफेद शेर, सफेद सावक है ना, 1915 में देखा गया था, वो इसी बांधवगढ़ के जंगल से देखा गया था, प्रथम सफेद शेर है ना, सफेद बाघ, कहां, बांधवगढ़ में, ठीक है, 1915 एक बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। फिर ऊपर देखा हमने संजय गांधी, संजय गांधी या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्टेब्लिश हुआ, और ये टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, 2008, ठीक है, टाइगर रिजर्व 2008 में बनाया गया, संजय या डुबरी राष्ट्रीय उद्यान 1981, ठीक है सर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान जैसा नाम है पन्ना, और ये संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां है, सीधी, इसका जिला भी लिख देता हूं, जिले नहीं लिखे हैं, सीधी। ठीक है, सीधी में है ये, और 1981 पन्ना, ये भी 1981, और ये भी टाइगर रिजर्व है, एक बार पूछा जा चुका है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, तो 1994 टाइगर रिजर्व बनाया गया, स्थापित हुआ था ये 1981 में, स्टेबलिश 1981, मगर टाइगर रिजर्व संरक्षण में कब आया, 1994, ठीक है, कहां पर है, पन्ना, ठीक है सर। आगे आओ, आगे आए तो ये दिख रहा है आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, शिवपुरी, इसको स्टेब्लिश किया गया 1958, इसमें एक भवन है जॉर्ज कैसल भवन, इसको भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है, जॉर्ज कैसल भवन है ना, भवन है ये, इसके पीछे भी ये कहानी है, एक रात में ये भवन बना दिया गया था, क्या हुआ था, जॉर्ज कैसल साहब को यहां पर शिकार करने के लिए आना था, तो माधवराव सिंधिया जी ने क्या इनके लिए एक रात में पूरा का पूरा महल भवन बनवा दिया था, हालांकि उसमें रुके नहीं थे वो, क्योंकि उन्हें शिकार तुरंत जैसे ही गए शिकार उन्हें मिल गया तो वो वापस लौट आए थे। तो क्या, शिवपुरी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जॉर्ज कैसल भवन, कब स्टेब्लिश हुआ, 1958। ये कहानी इसलिए बताई कि आपको जॉर्ज कैसल याद आ जाए माधव राष्ट्रीय उद्यान से, कि माधव राव सिंधिया ने जॉर्ज कैसल भवन बनवाया था जॉर्ज कैसल के साहब के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक सेकंड, तो ठीक है, अब हम आए कहां, अब हम आए कूनो, ये वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, चलो फिर उसे कलर चेंज करते हैं, हम कलर लेते हैं, ग्रीन ही लिए रहते हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए, श्योपुर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो श्योपुर, श्योपुर में क्या है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3-4 स्टार जितने लगाने हो लगा लो, ये अब एग्जाम में आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि 2018 में 30 दिसंबर 2018 को कूनो पहले अभ्यारण्य था, क्या अभ्यारण्य, पालपुर कूनो, पूरा नाम क्या है इसका, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नदी के किनारे है ये पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो शिवपुर में है, 2018 में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब 2018 में स्टेब्लिश किया गया, तो 2018 में स्टेब्लिश के साथ ये पहले क्या था, अभ्यारण्य था, इसको फिर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। स्पेशल चीज सुनो यहां की, स्पेशल क्या है यहां पे, तो जो गिर के जंगल है, गिर के वनों से बब्बर शेर, एशियाटिक बब्बर शेर, बब्बर शेरों को यहां विस्थापित किया गया है, किसको, बब्बर शेरों को, कहां पर,
पालपुर कूनो, ये पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में गिर के जंगलों से, गिर के अभ्यारण्य से यहां बब्बर शेर लाकर रखे गए हैं, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नदी जहां जो शिवपुर में है, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो अभी 2018 में स्थापित है, वहां पर गिर के जंगलों से बब्बर शेर को ला करके विस्थापित किया गया है। ठीक है सर। भोपाल, भोपाल क्या आईएसओ प्रमाणित है, पहला आईएसओ प्रमाणित हमारा राष्ट्रीय उद्यान वन विहार कब स्टेब्लिश हुआ, 1979 आईएसओ प्रमाणित, और यहां पर क्या है सर्प उद्यान। तो ठीक है, अब हम आगे आए, हम आगे आए तो हमें दिख रहा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, स्टार लगा है ये टाइगर रिजर्व, कब बना 1992, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है छिंदवाड़ा और सिवनी में, स्थापना हुई 1975, पेंच 75 1975, ये क्या है टाइगर रिजर्व 1992 में बनाया गया, किस जिलों में है छिंदवाड़ा और सिवनी, सिवनी में किसका जन्म हुआ था मोगली का, मोगली के ऊपर बुक किसने लिखी रुडयार्ड कपलिंग ने बुक लिखी द जंगल बुक, और उसमें बताया कि मोगली का जन्म इसी पेंच राष्ट्रीय उद्यान के सिवनी में हुआ। पेंच का अन्य नाम, पेंच का अन्य नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा सिवनी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो 1975 में स्थापित हुआ, टाइगर रिजर्व 1992 में बना। ठीक है, ठीक है। मोगली का जन्म कहां हुआ, पेंच में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली का जन्म हुआ, यहां पर मोगली लैंड भी स्थापित किया गया है। चलिए जल्दी से आगे देखते हैं हम, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये होशंगाबाद में है, कब स्टेब्लिश हुआ 1981, सतपुड़ा के घने जंगल है ना, घने जंगल है इसलिए यहां पर टाइगर भी बहुत सारे हैं, तो टाइगर रिजर्व भी है यहां पे। कब बनाया गया 1999, कब 1999 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया, जो हमारा कहां है होशंगाबाद। आखिरी और दूसरा जीवाश्म, सेकेंड जीवाश्म है ना, दूसरा डायनासोर जीवाश्म, यहां क्या है डायनासोर के अंडों के जीवाश्म है, कहां धार में है ये, कब स्टेब्लिश किया गया 2010 में इसको स्टेब्लिश किया गया डायनासोर जीवाश्म, मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पहला कौन सा था फासिल घुघवा, यहां पर क्या थे वनस्पति के, हमारे वनस्पति जीवाश्म थे, बट यहां पर डायनासोर के जीवाश्म अंडे हैं। आगे आप देख रहे होंगे एक और है यहां पर ओमकारेश्वर बारमा, तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये खंडवा में है, जैसा आपको नाम दिख रहा है ओमकारेश्वर खंडवा, क्लियर है खंडवा, तो ये कब 2004 में इसको स्थापित किया गया था। ये थे हमारे 12 के 12 पूरे राष्ट्रीय उद्यान, आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं बोल रहा हूं कि आप सीधा मैप प्राप्त करो MPGKY विकास सर टेलीग्राम चैनल पर जाकर, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट फिर भी ले लो।